गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी सर में। आज हैं 3 जनवरी और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। दोस्तों तो चलते हैं, आज की अपडेट क्या है। जयपुर में आज से 9 जनवरी तक बंद रहेंगे 1 से 8 तक के स्कूल, नई गाइडलाइन जारी। नेक्स्ट अपडेट क्या है चलते हैं देखिए। दोस्तों अगर आपसे संबंधित कोई भी अपडेट है तो आप वीडियो को रोक करके आराम से पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। गहलोत सरकार की नई गाइडलाइन, तो यहाँ पर आप नई गाइडलाइन देख सकते हैं, पूरी अपडेट यहाँ पर पढ़ सकते हैं किस किस पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट अपडेट क्या है, ग्रेडिंग की बजाय अब होगा मूल्यांकन। हमारा राजस्थान पुस्तक का बदलेगा स्वरूप, 6वीं से 8वीं तक की पुस्तक में बदलाव की तैयारी। दो हजार बाईस खास, 23 जनवरी को 6वीं व 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए इम्तिहान, छात्राएं देगी मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा। फैकल्टी ग्रुप ए के 84 पदों पर नौकरी के अवसर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में निकली भर्ती, 31 जनवरी अंतिम तिथि। इग्नू आवेदन करने की तिथि फिर बढ़ी, उप महानिदेशक सहित अन्य पदों पर मांगे आवेदन। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहां पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब करना चाहती हैं ग्रेजुएशन, बचपन में छूट गई पढ़ाई, अब 40 की उम्र में श्रवणी ने की 12वीं पास। विश्वविद्यालय के संग्रहालय में सजेगा शेखावाटी का इम्तिहान। अच्छी खबर, सीकर को नए साल में मिलेंगे 833 तृतीय श्रेणी शिक्षक, आवेदन 10 से। शिक्षा निदेशालय ने जारी किया पदों का वर्गीकरण, 2018 की भर्ती के मुकाबले कट ऑफ में आएगा उछाल। फैकल्टी ग्रुप ए के 84 पदों पर नौकरी के अवसर। नेक्स्ट अपडेट क्या है, राज्य में पहली बार अब रेप्टिलियन जीवों के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थी। बदलता ट्रेंड, युवाओं में कृषि क्षेत्र में कैरियर बनाने की होड़, छात्राएं भी आगे। नेक्स्ट अपडेट क्या है चलते हैं देखिए। दोस्तों समयबद्ध होगा परीक्षाओं का काम, मिलेगी नई भर्तियां, अभ्यर्थनाएं। आरपीएससी अभ्यर्थनाओं को परीक्षण, आपत्तियों के निस्तारण का समयबद्ध कार्यक्रम तय। नेक्स्ट अपडेट क्या है, शिक्षकों व माता पिता के बीच वॉल्टियर्स बनेंगे सेतु, शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने में करेंगे सहयोग। लॉ कॉलेज में प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू, आवेदन की अंतिम तिथि 6 जनवरी तय। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, टूटे टॉयलेट व गंदगी देख कुलपति नाराज। जोधपुर में 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आगामी आदेश तक अवकाश रहेगा। स्कॉलरशिप और स्कूटी योजना के लिए एसएसओ आईडी से किए जा सकेंगे आवेदन। रिटर्न से चूक गए हैं तो 31 मार्च तक जुर्माने के साथ भरें आईटीआर। ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के आयोजन पर फिर से सवालिया निशान। नई शिक्षा नीति के अमल के लिए ये साल बेहद अहम, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग सहित दर्जन भर सिफारिशों पर होना है काम। 15 से 18 साल के किशोरों का आज से टीकाकरण, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिया निर्देश। नौसेना में हो शामिल, करें आवेदन, इंडियन कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय में निकली भर्ती, कुल पद 322। विवाह समारोह में केवल 100 व्यक्ति होंगे अनुमत, धर्म गुरु राजनीति दलों व एनजीओ से संवाद के बाद नई गाइडलाइन जारी। नेक्स्ट अपडेट क्या है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल को दी गई है प्राथमिकता, प्रधानमंत्री। पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के लिए 15 दिन में करें आवेदन। स्कूल कॉलेजों पर फिर से कोरोना की मार, नई कई राज्यों ने किया शिक्षण संस्थाओं को बंद करने का ऐलान। आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व रिकॉर्ड अपडेट करने के दिए निर्देश, अब तक शुरू नहीं हुई 8वीं व 5वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी। निजी स्कूल नहीं मानते शिक्षा विभाग के निर्देश, शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर की बजाय अपनी सुविधा के अनुसार किया।
तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।